हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल। यू आर विद टेक टॉक विद अदिति। सो आज के जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि स्टूडियो 5000 में हम काउंटर डाउन कैसे यूज करते हैं, हम काउंटर डाउन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी बताया था, टैग क्रिएट करते हैं सबसे पहले, देन उसके बाद हम आगे इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी क्योंकि काउंटर डाउन आपको यूज करना है तो आपको काउंटर्स के लिए टैग बनाने पड़ेंगे, देन उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट के टैग भी आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। तो आप देखिए, कंट्रोलर टैग पे चले जाएंगे। तो कंट्रोलर टैग पे क्योंकि आपको काउंटर डाउन यूज करना है तो वैसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे CTD0 मैं यूज करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे नेम मेंशन कर दिया। आपको अगर कुछ और नेम देना है तो आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने बेसिकली डिफाइन करने के लिए CTD00 ले लिया, ये बेस ही रहेगा। देन यहाँ से आप काउंटर डिफाइन कर सकते हैं, काउंटर अप हो या काउंटर डाउन हो, आपको यहाँ पे डेटा टाइप काउंटर ही लेना है। तो मैं यहाँ से एक और काउंटर, क्योंकि काउंटर डाउन बनाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से एक 01 ले लिया काउंटर। देन यहाँ से आप काउंटर ले लीजिए। उसके बाद मैं एक इनपुट यूज करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से क्या किया, एक इनपुट आप ले सकते हैं 00। देन ये मेरा एलाइस रहेगा क्योंकि मैं फिजिकल इनपुट यूज करना चाहता हूँ जो मेरा कि कंट्रोलर के इनपुट पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने, क्योंकि मैं इमुलेटर यूज कर रहा हूँ, इमुलेटर के अंदर जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है वो 3 नंबर स्लॉट पे लगा रखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ से 3i data 0 मैंने सेलेक्ट किया। इसी तरीके से क्योंकि आपको आउटपुट भी लेना है तो मैं यहाँ से कुछ आउटपुट ले सकता हूँ 00। जैसे मैंने एक आउटपुट चाहिए मैंने ले लिया, इसको भी आपको एलाइस में डिफाइन करना पड़ेगा। देन यहाँ से लोकल 3O में चले जाइए, उसके बाद यहाँ पर 0 नंबर ये मैंने आउटपुट ले लिया। तो इस तरीके से दो काउंटर, एक इनपुट एक आउटपुट के मैंने टैग डिफाइन कर लिया। जैसा कि मैंने, अगर आपने फ्रेंड्स मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो काउंटर अप मैंने बताया था आपको, उसमें कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया था सारा कुछ मैंने अच्छे से बताया था। अभी जो भी टैग आपने बनाए हैं, यहाँ पर टैग कैसे चेक करेंगे, आप मॉनिटर टैग में चले जाइए। जो जो टैग आपने बनाए हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो काउंटर में क्या होता है, प्रीसेट होता है, एक्यूमुलेटर, काउंटर अप, काउंटर डाउन, डन बिट, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो बिट्स होती हैं। जैसे काउंटर 0 मैंने लिया, इसी तरह 1 भी मैंने यहाँ से ले लिया। देन आप यहाँ से इनपुट एक टैग मैंने लिया एंड आउटपुट। इसी तरीके से आप यहाँ पर सबसे पहले एक इनपुट ले लीजिए और इसको आप इनपुट का एड्रेस दे सकते हैं यहाँ से, क्योंकि काउंटर पल्सेस पे चलता है, कंटिन्यूस सिग्नल पे नहीं चलता। देन आप यहाँ से काउंटर डाउन सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा। तो डबल क्लिक करिए और काउंटर डाउन जो टैग बनाया आप उसको डिफाइन कर दीजिए। देन यहाँ से आप प्रीसेट दे दीजिए। तो यहाँ से हम सपोज आप यहाँ पे, क्योंकि मुझे 5th नंबर की पल्स पे आउटपुट चाहिए तो मैंने -4 किया, क्योंकि होता क्या है कि एक्यूमुलेटर एंड प्रीसेट जब इक्वल हो जाते हैं तो डन बिट हाई होती है, लेकिन यहाँ पे जो एक्यूमुलेटर काउंटिंग करेगा ना वो माइनस में काउंटिंग करेगा, मतलब नॉट माइनस आप कह सकते हैं कि ये डिक्रीमेंटल काउंटिंग करेगा। तो अभी क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 है एक्यूमुलेटर, तो जब आप आगे पल्सेस देंगे तो ये -1 -2 -3 ऐसे जाएगा। इसी तरीके से जैसे ही आप डन बिट यहाँ यूज करते हैं तो आप यहाँ पर डन बिट के लिए NC लेते हैं, क्योंकि ये काउंटर डाउन है और थोड़ा ऑपरेशन क्योंकि अपोजिट होता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर डन बिट के लिए NC इंस्ट्रक्शन लिया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब काउंटर अप आपने यूज किया था, जैसे मैंने वहां पर डिफाइन किया था काउंटर अप, काउंटर डाउन में सारी चीजें बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी। जैसा मैं डिफाइन कर रहा हूँ वैसा आप देख सकते हैं, और मैं आपको ऑपरेट करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से चल रहा है। देखिए, अभी -4 हमारा प्रीसेट वैल्यू, एक्यूमुलेटर 0 है, और डन बिट मैंने NC में इसलिए लिया है कि जब ये माइनस में जाएगा तो डन बिट एक्चुअली क्या होगी, लो होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आउटपुट मेरा हाई होगा। तो एक बार इस प्रोग्राम को आप यहाँ से डाउनलोड करके एक बार टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये प्रोग्राम यूज करना है, आप सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर अरेंज करना पड़ेगा, जिसमें 3 सॉफ्टवेयर, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी बताया था कि पहला RSLinux क्लासिक सॉफ्टवेयर आपको यूज करना होगा, मतलब डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। दूसरा, फिर आपको एक एमुलेटर चाहिए होगा। तीसरा, आपको स्टूडियो 5000 सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो -4 देने का मतलब क्या है कि इनिशियली अभी डन बिट ऑन है, हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि एक्यूमुलेटर अभी ज़्यादा है प्रीसेट से। पर D2LC इंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे अभी, कि मेरा आउटपुट ऑफ दिखा रहा है, क्योंकि डन बिट हाई है तो NC इंस्ट्रक्शन लेने की वजह से क्या है, यहाँ पे सर्किट ओपन है तो मेरा आउटपुट ऑफ है। तो जैसे ही मैं यहाँ से पल्सेस दूंगा तो आप देखिए, यहाँ से मैंने फोर्सफुली ऑन कराया और मुझे क्योंकि फोर्सेस इनेबल करने पड़ेंगे तभी यहाँ पे फंक्शन करेगा। तो देखिए, फर्स्ट पल्स जब मैंने दी तो
तो ये माइनस वन पे गया क्योंकि काउंटर डाउन डिक्रीमेंटल काउंटिंग करता है। दोबारा से जब आप यहाँ से पल्स देंगे तो काउंटर डाउन देखिए माइनस टू पे गया। नेक्स्ट हमने पल्स दी तो यहाँ से इसने काउंट किया माइनस थ्री, स्टिल अभी भी डन बिट हाई है, ड्यू टू एनसी मेरा आउटपुट ऑफ है। जैसे ही मैं नेक्स्ट पल्स दूंगा तो क्या होगा, अभी भी डन बिट हाई है क्योंकि प्रीसेट एक्यूमुलेटर जब तक बराबर रहते हैं या फिर प्रीसेट हमारा ज्यादा होता है तो डन बिट ऑन होती है। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पल्स यहाँ से दूंगा तो आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर एक्यूमुलेटर मेरा क्या हो गया, कम हो गया और प्रीसेट मेरा ज्यादा हो गया, यानी प्रीसेट माइनस फोर ज्यादा है माइनस फाइव कम है तो डन बिट लो हो गई क्योंकि यहाँ पे मैंने एनसी इंस्ट्रक्शन ले रखा था जिसकी वजह से क्या हुआ आउटपुट मेरा ऑन हो गया और ये हमेशा ऑन ही रहेगा अभी। और आप पल्सेस देंगे तो ये डिक्रीमेंटल चलता जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा एक बार डन बिट हाई हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली मैंने डन बिट यूज की, यानी आप फोर या फाइव पल्सेस के बाद आउटपुट ऑन करा सकते हैं, इट इज अप टू यू, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रीसेट डिफाइन करना पड़ेगा। राइट, तो आपने देखा कि काउंटर अप के अकॉर्डिंग अगर आप काउंटर डाउन लगाते हैं दोनों का कंपेरिजन करते हैं तो बिल्कुल अपोजिट काउंटर है क्योंकि काउंटर अप जो होता है इंक्रीमेंटल चलता है, काउंटर डाउन डिक्रीमेंटल चलता है। फ्रेंड आगे मैं और भी चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपको रिसेट करना है तो उसके लिए जैसा कि मैंने काउंटर अप में किया था एक काउंटर मैंने एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ पर भी आपको एक काउंटर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने दो काउंटर का टैग बना रखा है, तो इसको मैं वन कर देता हूँ। अब क्योंकि मैंने फिफ्थ नंबर की पल्स पे मेरा आउटपुट आ रहा है तो मैं चाहता हूँ मेरा रिसेट हो सिक्स नंबर की पल्स पे, तो माइनस मैंने यहाँ पर फिफ्थ कर दिया, यानी जो भी यहाँ पे प्रीसेट डिफाइन कर रहे हैं उससे अगली एक पल्स जैसी ज्यादा होगी तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा यानी एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ से आप डन बिट ले लीजिए फिर से, क्योंकि यहाँ पर भी आपने डन बिट लिया तो आप यहाँ पर भी ले लीजिए और यहाँ पर क्या करेंगे काउंटर वन में चले जाएंगे और यहाँ से इस तरीके से एड्रेस ले लीजिए, देन आप सीधे क्या करेंगे रिसेट में चले जाइए। तो आपको क्योंकि दो रिसेट चाहिए होंगे क्योंकि आपको काउंटर डाउन